हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे गाड़ियों में जो नंबर प्लेट्स लगे होते हैं वे लाल, सफ़ेद, पीला या काला ऐसे अलग अलग कलर्स के क्यों होते हैं और किस तरह के नंबर प्लेट्स का यूज़ किन तरह के गाड़ियों में किया जाता है। तो सबसे पहले व्हाइट कलर नंबर प्लेट्स, जिसमें ब्लैक कलर से नंबर लिखा होता है, ये नंबर प्लेट्स आम सिटीजन्स के लिए होता है जो कि अपने प्राइवेट यूज़ के लिए कार्स खरीदते हैं। इसीलिए रोड में आप जितने भी प्राइवेट कार्स देखेंगे सबके नंबर प्लेट का कलर व्हाइट होगा और उसमें ब्लैक कलर से लिखा होगा। इसके बाद आता है येलो कलर नंबर प्लेट्स, जिसमें ब्लैक कलर से नंबर लिखा होता है। ये नंबर प्लेट्स कमर्शियल व्हीकल्स को दिए जाते हैं जो कि गुड्स या पैसेंजर कैरी करते हैं, जैसे ओला, उबर, ट्रक, और इन कमर्शियल व्हीकल्स को चलाने के लिए कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। इसके बाद आते हैं ब्लैक कलर के नंबर प्लेट्स, जिसमें येलो कलर से नंबर लिखा होता है। ये नंबर प्लेट्स भी कमर्शियल व्हीकल्स के ही होते हैं, बस डिफरेंस ये है कि इन कमर्शियल व्हीकल में कोई ड्राइवर नहीं होता है, आप खुद रेंट लेकर इन व्हीकल को चला सकते हैं। इसीलिए इन व्हीकल को चलाने के लिए किसी तरह के कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पास प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस भी है तो आप इन व्हीकल्स को चला सकते हैं। ज़्यादातर ऐसे व्हीकल्स बड़े बड़े होटल्स के पास होते हैं जो कि अपने कस्टमर्स को रेंट में देते हैं। इसके बाद आता है ग्रीन कलर के नंबर प्लेट्स, जिसमें व्हाइट कलर से नंबर लिखा होता है। ये नंबर प्लेट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को दिए जाते हैं जो कि प्राइवेट यूज़ के लिए होता है। अगर वैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल कमर्शियल यूज़ के लिए हुए तो उनके ग्रीन कलर के नंबर प्लेट में येलो कलर से नंबर लिखा होता है। जैसे अभी टेस्ला के कार्स भारत आने वाले हैं, अगर वे कार्स प्राइवेट यूज़ के लिए खरीदे गए तो उनके ग्रीन कलर के नंबर प्लेट में व्हाइट कलर से नंबर लिखा होगा। अगर वही व्हीकल्स कमर्शियल यूज़ के लिए खरीदे गए तो उनके ग्रीन कलर के नंबर प्लेट में येलो कलर से नंबरिंग किया हो गया होगा। ये तो हुआ गाड़ियों के नंबर प्लेट्स के कलर के बारे में। अब जानेंगे कि इन नंबर प्लेट्स में जो नंबर लिखे होते हैं वे किस आधार पर लिखे जाते हैं। सपोज यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है AS23BC5524, ये किस आधार पर लिखा हुआ है? इसे जानने के लिए सबसे पहले हम इस नंबर प्लेट को चार भाग में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट पार्ट में अशोक चक्र का होलोग्राम होगा और उसके नीचे IND लिखा हुआ होगा, इसका मतलब कि यह व्हीकल इंडिया में रजिस्टर्ड हुआ है। एंड इसके बाद के दो लेटर्स इंडिया के उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी का शॉर्ट फॉर्म होता है जहां इस व्हीकल को रजिस्टर्ड किया गया है। जैसे यहां पर AS लिखा हुआ है, यानी यह व्हीकल असम में रजिस्टर्ड हुआ है। वैसे ही अगर यहां पर TN लिखा होता तो तमिलनाडु, अगर यह व्हीकल दिल्ली में रजिस्टर्ड हुआ होता तो DL, अगर मुंबई में हुआ होता तो MN, ऐसे ही बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म है। एंड थर्ड में आता है दो डिजिट का नंबर, यह नंबर उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट RTO यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस का दो डिजिट का कोड होता है जहां इस व्हीकल को रजिस्टर किया गया है। इसीलिए भारत के हर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट का अपना खुद का एक एक अलग RTO ऑफिस होता है जिसका एक यूनिक कोड होता है। इन सब कोड को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर जान सकते हैं। जैसे यहाँ पर 23 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि यह असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का RTO कोड है। एंड लास्ट में आता है 0001 से लेकर 9999 तक का यूनिक नंबर, और जब ये नंबर 9999 तक के रजिस्टर हो जाते हैं तो इन्हें 10,000 ना कर फिर से 0001 से स्टार्ट किया जाता है। बस इसके पहले एक अल्फ़ाबेट A लगा दिया जाता है। फिर जब ये A के सीरीज़ का नंबर भी फुल हो जाता है तो B ऐसे कर जेड तक हुआ, एंड अगर जब जेड भी हो गया तो फिर AA AB, ऐसे कर ये सीरीज दोहराया जाता है ताकि हर गाड़ियों को एक एक यूनिक नंबर मिल सके। इन शॉर्ट RTO नंबर के बाद जो एक या दो अल्फाबेट लिखे होते हैं वे ज़्यादा कुछ नहीं, आगे के चार नंबर के सीरीज को दर्शाते हैं। तो कुछ इस आधार पर हमारे गाड़ियों का नंबर प्लेट बनता है। एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ जाए। जैसे यहाँ पर एक और नंबर लिखा हुआ है KA14A1478, यहाँ पर KA का फुल फॉर्म हुआ कर्नाटका। इसके बाद 14 जो लिखा हुआ है ये 14 शिमोगा डिस्ट्रिक्ट RTO का नंबर है। इसके बाद A इसके सीरीज का नंबर दर्शाता है एंड चार यूनिक कोड हुए। ये सब तो हुआ नॉर्मल नंबर प्लेट्स और उसके नंबरिंग सिस्टम, पर कुछ स्पेशल नंबर प्लेट्स भी होते हैं जो कुछ स्पेशल लोगों को दिए जाते हैं, जैसे कि रेड कलर के नंबर प्लेट्स। ये प्लेट्स हमारे राष्ट्रपति और स्टेट गवर्नर के गाड़ियों में लगे होते हैं, जिन प्लेट्स में कोई नंबर नहीं लिखा होता है, बस हमारा एम्बलम अशोक स्तंभ का फोटो होता है। इसके बाद में आता है ब्लू कलर के नंबर प्लेट्स, जिसमें व्हाइट कलर से लिखा होता है। ये नंबर प्लेट्स फॉरेन डेलीगेट्स को दिए जाते हैं
जो कि हमारे भारत में रहकर काम करते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस के कुछ लोग हुए या फॉरेन एम्बेसीज हुए, इन लोगों के गाड़ियों में ब्लू कलर के नंबर प्लेट्स होते हैं। इसके बाद आते हैं मिलिट्री नंबर प्लेट्स। मिलिट्रियों के गाड़ियों में भी नंबर प्लेट्स होते हैं, पर यह नंबर प्लेट्स हमारे आम गाड़ियों की तुलना में अलग होते हैं। इन नंबर प्लेट्स का शुरुआत एरो मार्क से होता है, जिसके बाद का दो डिजिट उस व्हीकल के सर्विस ईयर को दर्शाता है। और खास बात तो यह है कि यह नंबर प्लेट्स आरटीओ के पास रजिस्टर्ड नहीं होता है, ये नंबर प्लेट्स डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास रजिस्टर्ड होता है। तो लगभग सारे नंबर प्लेट्स के बारे में हमने बात कर लिया। हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू। वंदे मातरम। जय अहोम।